वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, जय माता दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आती है। तो इस बार की शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है 15 अक्टूबर से और ये ख़त्म होगी 24 अक्टूबर तक। तो आइए हम आज बात करते हैं कलश स्थापना के बारे में, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और इसकी विधि के बारे में। तो हमारा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को 11:44 से 12:30 तक। तो इस तरीके से हम उस दिन कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना करने के लिए आपको एक दिन आगे जहाँ कलश स्थापना करना है वहाँ पे साफ़ सुथरा कर देना होगा, घर साफ कर लेना होगा। वहाँ पे हम माता जी को 9 दिन के लिए बैठाएंगे, 9 दिन उनकी पूजा करेंगे, उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है 9 दिन। तो इसलिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो पहले हम एक दिन आगे सब साफ़ सफाई कर लेंगे। और जहाँ पे हमें कलश की स्थापना करना है वहाँ पे हम एक चौकी लेंगे, जो पूजा वाली चौकी आती है उसको हम बिछा लेंगे। में जगह है तो वहाँ पे भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो अलग से चौकी में भी माता जी को बैठा सकते हैं 9 दिन के लिए। तो वहाँ पे हम चौकी लेंगे, उसमें लाल कपड़ा या पीला कपड़ा जो पूजा का कपड़ा आता है उसे बिछा लीजिए। दोनों पूजा में चलता है, लाल भी चलता है पीला भी चलता है। तो इस तरीके से हम एक कपड़ा बिछा लेंगे। बिछा के उसके बाद हम वहाँ पर दुर्गा जी की फ़ोटो रखेंगे, अगर मूर्ति है तो मूर्ति रखिए, शेर पे सवार जो है दुर्गा जी उनका, और अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो रखिए। कोशिश करिएगा कि शेर का मुंह बंद हो, उस वाला फ़ोटो लीजिएगा उस टाइप का, तो उसे रख लेंगे। और हम अब कलश के लिए, आप चाहें तो मिट्टी वाला कलश लीजिए, अगर आपके यहाँ मिट्टी वाला कलश मिलता है तो बहुत ही शुद्ध है, अगर वो नहीं मिलता तो आप पीतल या तांबा का लोटा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पीतल और तांबा का लोटा नहीं है तो आप स्टील का मत लीजिएगा, क्योंकि स्टील का लोटा पूजा में उतना शुद्ध नहीं माना जाता है। तो कोशिश करिएगा तांबा और पीतल का लेने का। और उसके लिए हमें करना है कलश के जो गले गर्दन है उस पर आप मौली धागा बांध दीजिएगा। उसके बाद हम उसको स्वस्तिक का निशान बना देंगे और 5 बार सिंदूर से टिक देंगे। तो इस तरीके से हमारा कलश तैयार हो जाएगा। अब कलश के अंदर आप गंगा जल डालिएगा और उसमें पानी भरिएगा, स्वच्छ पानी। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो पूरा स्वच्छ पानी ही भरिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर थोड़ा सा भी गंगा जल मिल जाए तो आप मिला के गंगा जल और पानी मिला के भी डाल सकते हैं। और उस कलश के अंदर आप डालिएगा एक हल्दी का गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का इक्का और फूल और चावल। और अगर आप कोशिश करिएगा इलायची और लौंग है तो वो भी डाल सकते हैं। और जहाँ पे हमें कलश रखना है वहाँ पे आपको पीले चावल से अष्टकमल बनाना है। तो उस तरीके से आप चावल नीचे रख के उसका अष्टकमल बना लीजिएगा। और एक कलश रखेंगे हम दुर्गा जी के सीधे तरफ, राइट साइड में रखना है हमें कलश। तो राइट साइड में आप अष्टकमल बना के उसके ऊपर कलश रख दीजिएगा। और उसके बाद उसके ऊपर आम का पत्ता, तो आम का पत्ता आप 5 लीजिए, 7 लीजिए या फिर 9 लीजिए। तो इस तरीके से आप आम का पत्ता लीजिएगा। और उसके बाद हम उसके ऊपर नारियल रखेंगे। हम नारियल लेंगे, नारियल में भी स्वस्तिक का निशान बनाएंगे और उसमें हम मौली धागा बांध देंगे। अगर आपके पास चुनरी है, छोटी चुनरी आजकल मार्केट में मिलती है, वो ले लीजिए। तो आप उसमें चुनरी लपेट लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चुनरी लपेट के हम कलश के ऊपर रख देंगे। नारियल का मुँह नीचे की तरफ रहना चाहिए और ऊपर की तरफ करके आप रख लीजिएगा। अगर बहुत लोग कलश के ऊपर दिया रखते हैं, एक बड़ा वाला जिसे ढक्कन कहा जाता है वो रख के उसके ऊपर जौ या गेहूं भरते हैं, चावल भी बहुत लोग भरते हैं लेकिन जौ और गेहूं का ज़्यादा महत्व है, वो भर के उसके ऊपर भी नारियल रखते हैं। तो दोनों ही तरीका ठीक है, आप अगर दोनों तरीके से रखना चाहें तो दोनों तरीके से भी रख सकते हैं। तो इसमें भी नारियल का मुँह अपने तरफ रखिएगा, जिस साइड से आप पूजा करने बैठेंगे उस तरफ से ढक्कन के ऊपर नारियल रखिएगा। और आम के पत्ते में भी टीका लगा देंगे और हम कलश को माला पहना देंगे, नारियल के ऊपर माला एक पहना दीजिएगा। इस तरह से आपका कलश का स्थापना हो गया। अब हम चलिए दुर्गा जी का पूजा करते हैं। तो दुर्गा जी को आप पहले सिंदूर लगा दीजिएगा, सिंदूर लगा के एक लाल चुनरी ओढ़ा दीजिएगा। चुनरी ओढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नया चुनरी लेके ही ओढ़ाइएगा क्योंकि नवरात्रि में नया चुनरी ज़्यादा शुभ है। तो इस तरीके से एक नया चुनरी उड़ा दीजिएगा और उसके बाद आप एक फूल का माला पहनाइएगा उनको। अगर लाल फूल का माला मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके यहाँ जो भी माला आपको मिले आप वो माला पहना दीजिएगा। इस तरीके से उनको माला पहना के अवका जी के सामने में हम 5 पत्ती रखेंगे पान का, और उसके ऊपर सुपारी जरूरी है, सुपारी और लौंग, इलायची और पचमेवा, इस तरीके से आप चढ़ा दीजिएगा।
और अब चलिए हम एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा अच्छा मिट्टी डालेंगे। आप मिट्टी कहीं भी साफ़ सुथरा जगह से लीजिएगा, अपने गार्डन से या कहीं से भी, पर साफ़ सुथरा जगह से मिट्टी लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा हल्का सा जौ डालिएगा। अगर जौ अच्छी तरह उगे, इसके लिए आप एक रात आगे फुला के रख देंगे, तो उसको डालने से क्या होगा, आपका जौ बोलते हैं कई लोग, जई बोलते हैं, उसको आप उस मिट्टी में लगा दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, जल्दी आपका जई उग जाएगा। तो इस तरीके से आप जई उगा दीजिए। अगर आपका जई जो रोपे हैं वाला पात्र अगर बड़ा है तो आप उसके ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस तरीके से भी लोग करते हैं। और हम अखंड ज्योत भी जलाते हैं, तो जो 9 दिन का उपवास करता है वो अखंड ज्योत जलाता है, और जो पहला और अष्टमी उपवास करता है वो सुबह शाम दिया जलाकर भी आरती कर सकता है। तो अखंड ज्योत या तो आप तेल का जलाइए या फिर तिल का भी तेल का लोग जलाते हैं, सरसों तेल का भी जलाते हैं, घी का भी जलाते हैं। अखंड ज्योत आप एक प्लेट में फूल रख के उसके ऊपर अखंड ज्योत रखिएगा और अखंड ज्योत को आप हमेशा देखते रहिएगा, उसमें हमेशा घी या तेल जिससे भी आप जला रहे हैं उसे डालते रहिएगा। इस तरीके से आप अखंड ज्योत को भी तैयार कर लीजिएगा और उसको भी आप एक साइड में रख लीजिएगा जहाँ हवा हवा ना लगे और उनको भूतने का उतना डर ना लगे। अखंड ज्योत को ढक के नहीं रखा जाता, इसलिए ऐसे साइड में रखिएगा जहाँ की पंखा का हवा हवा ना लगे और अच्छी तरह आपका 9 दिन वो जलते रहे। इस तरीके से आप अखंड ज्योत भी रख लिए। उसके बाद आप दुर्गा जी को उस दिन सिंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, जिसमें चूड़ी, आलता, सिंदूर, जो आपको इच्छा हो चढ़ाइए। कई लोग अष्टमी के दिन भी चढ़ाते हैं और कई लोग पहला दिन ही चढ़ा देते हैं। तो आप इस तरीके से जिस दिन आपको अच्छा लगे उस दिन आप उस दिन सिंगार का सामान उनको चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे। तैयारी करने के बाद आप उनका पूजा करिए। हाँ, दुर्गा जी का रोज आप इस तरीके से पूजा करिएगा। सुबह नहाकर उनसे पहले सिंदूर चढ़ाइएगा और उनके बाद उनको फूल चढ़ाइएगा और 2 लौंग का भोग जरूर लगाइएगा। इसके अलावा आपको जो मर्जी है वो फल, फूल, मिठाई जो भी आपको है उस तरीके से उनको भोग लगाइएगा। और सुबह शाम आरती, जय अम्बे गौरी वाला आरती है, वो जय अम्बे गौरी वाला आरती करिएगा, दुर्गा चालीसा पढ़िएगा। और बहुत लोग 9 दिन सप्तशती का पाठ भी करते हैं, तो आप लोग सप्तशती का पाठ 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पढ़ के भी कर सकते हैं और रोज पूरा भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास टाइम हो, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिएगा, क्योंकि आजकल लोग के पास टाइम बहुत काम ज़्यादा है, टाइम कम है, तो अपना सुविधा देखकर आप उसके अनुसार ही पूजा पाठ शुरू करिएगा, उस तरीके से ही करिएगा। तो इस तरीके से मेरा जितना मुझे मालूम था मैं अपना कोशिश की हूँ इस तरीके से कलश की स्थापना कैसे करते हैं और किस तरीके से पूजा करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में प्लीज़ करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। और अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।